हेलो गाइस, मैं हूँ राज और आप देख रहे सुपर टॉक्सिस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो। गाइस आपको स्वागत करता हूँ। तो गाइस आज की जो वीडियो मतलब थंबनेल देखे तो आप सभी लोग क्लिक कर चुका हो। तो गाइस आज हम लोग घर पे गाइस एक होममेड अनार बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जो कि अनार गाइस आपको छोटे मोटे लगते तो गाइस मैं आज बड़ा अनार बना के आपको दिखाऊंगा। तो कैसे उसको बनता है गाइस चलिए। और एक बात गाइस, इसको बनाने के लिए गाइस मेरे पास जो चीज का मैंने इस्तेमाल किया तो आपको दिखाता हूं एक मिनट, ठीक है। तो हमारे पास है गाइस कुछ इस तरीके के एक सावर लाइट, ठीक है, जो कि देख सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। तो ये सावर लाइट गाइस मतलब आपको खोल के भी दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि देख सकते हो गाइस जो कि ब्लू कलर से आती है, मतलब इसका जो ऊपर के जो पेपर है वो ब्लू कलर का दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर गाइस इसको मतलब इसको लाइटर में जलाने के बाद गाइस ये बहुत कलर की आती है, ठीक है। जब ये जलते हैं बहुत कलर ग्रो करते हैं। तो मेरे पास और भी एक कलर है, ठीक है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। इधर देख ही सकते हो गाइस और भी एक है, ठीक है। तो ये भी अलग कलर है और वो भी गाइस अलग कलर है, ठीक है। तो दोनों बारूद को गाइस इकट्ठा करके मिला के गाइस जो लाइट मतलब जो बारूद क्रिएट होगा मैं आपको दिखाऊंगा अनार के अंदर डाल के, ठीक है। तो गाइस चैनल पर नया तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो। क्या करो आप सभी लोग के लिए गाइस, इतना मेहनत कर दो हम लोग, तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो लाल। तो गाइस हमारे पास कुछ इस टाइप से एक पेपर है, ठीक है, जो कि गाइस आप सभी लोग आपके आंखों से हिसाब से गाइस इसको थोड़ा कटिंग कर लेना, ठीक है। इसका जो अनार की जो फ्रेम होता है, ठीक है, अनार की जो शेप होते है, चलो गाइस उसको अनार की शेप हम लोग दे देते हैं, ठीक है। इसको शेप देने के लिए सबसे पहले गाइस इस कोन से गाइस आप जिस भी कोन से गाइस इसको ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस कोन से गाइस मेरे एक उंगली को रख के गाइस इधर थोड़ा गाइस इसको मोड़ के गाइस इधर एक हाथ इसको ढुका के गाइस चलो इस तरफ से गाइस इसको कर लेना होगा, ठीक है। तो देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर गाइस आपको गाइस एक ग्लू लगाना होगा, मतलब गाइस फेविक्विक भी लगा सकते हो, तो ये भी गाइस काम चलेगा, ठीक है। और गाइस मेरे पास गाइस सुपर ग्लू है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस मेरे पास सुपर ग्लू है, तो सुपर ग्लू से गाइस ये भी चिपका सकते है, ठीक है। तो चलो गाइस मैं इसको चिपका के गाइस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस मैं गाइस इसको थोड़ा चिपका लिया, ठीक है, आप सभी लोग देख ही सकते हो, जो कि गाइस इस तरीके से कुछ अनार की शेप होगा। तो इसको शेप देने के लिए गाइस आपको सबसे पहले गाइस हमारे तरफ भी गाइस आपको एक कैंची चाहिए, जो कि हमारा तो एक अलग कैंची है, ठीक है, मतलब हमारे पास जो कैंची है वो अलग है, आपके पास जो भी कैंची से इसको होगा। तो इसके लिए गाइस ये जो गाइस थोड़ा इधर बड़ा हुआ है ना, तो इसको मैं कटिंग करूंगा। तो कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले गाइस कुछ इस तरीके से आपको हाथ को थोड़ा फोल्ड करना होगा, देख ही सकते हो। फोल्ड करने के बाद गाइस आपके कांची को गाइस कुछ इस टाइप से गाइस इधर चलाना होगा, ठीक है। जो तो गाइस हमारा अनार बनके पूरा तैयार हो गया, देख सकते हो, ठीक है। ये जो पहली जो शेप था गाइस वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब है गाइस हमारे पास कुछ इस टाइप के एक पेपर है, ठीक है। तो अब ही गाइस मेन चीज का बारी है। तो देख सकते हो कुछ हमारे पास गाइस जो लाइट सावा था, तो देख सकते हो इधर है, ठीक है। तो मैं दो करके लूंगा, ठीक है। तो इसके साथ गाइस ये दो लूंगा और इस तरफ से गाइस इधर से दो लूंगा, ठीक है। तो दो करके मैं इसको मिक्स करूंगा। तो चलो गाइस मैं इसको मिक्स करता हूं, ठीक है। तो मिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले गाइस इसके जो ऊपर के जो पेपर है इसको हटाना पड़ेगा आपको, और बहुत ही सावधानी से गाइस इसको काम करना पड़ेगा, नहीं तो गाइस इसके अंदर गाइस इस तरह से इसका अंदर गाइस थोड़ा रेत है, ठीक है। तो ये रेत गाइस इधर ना निकले, ठीक है। तो चलो गाइस मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो एक मिनट, तो गाइस देख ही सकते हो हमारा जो पाउडर था मतलब जो बारूद था गाइस हमने पूरा निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में गाइस कुछ इस टाइप से अनार है, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर ही गाइस इसको डालूंगा, ठीक है। तो चलो और एक भी गाइस पेपर है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड पर गाइस कुछ चिड़िया का साउंड आ रहा है, ठीक है, जो कि बाहर हम लोग वीडियो बनाते हैं, घर पे गाइस चीफ नहीं है, और आप हमारे तरह ये वीडियो घर पे मत ट्राई करना, ठीक है, बहुत रिस्क होता है गाइस, और बच्चे लोग तो एकदम ही ट्राई मत करना, ठीक है। तो चलो गाइस इसके अंदर गाइस इसको डालते हैं, ठीक है। ये थोड़ा पकड़ो जरा, कुछ इस टाइप की सी और भी एक कार्डबोर्ड करना पड़ेगा, जो कि इसके अंदर गाइस मैं इसको डालूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस इसको मैं डालते गाइस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले गाइस एक थोड़ा हो मतलब एक माप करना पड़ेगा, जो कि गाइस ये मैं माप गाइस मैं बाद में कर रहा हूँ, ये मेरे को पहले करना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा रिक्स करके गाइस इसको करना पड़ेगा।
देखिए सर, तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक आर्ट पेपर लिया, ठीक है, जो कि आपकी मार्केट से अगर आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो अनार है गाइस, पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, जो कि इसके अंदर बारूद है। गाइस आप हमारे हाथ में गाइस कुछ इस तरीके से एक फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज बोल सकते हो गाइस, ठीक है, जो कि गाइस इसके ऊपर गाइस एक फ्यूज आती है जो कि आग लगाने से गाइस जलता है, ठीक है। तो गाइस ये फ्यूज गाइस मैं इसके अंदर गाइस इसको डालूंगा, ठीक है। तो फ्यूज को थोड़ा कटिंग कर लेते हो गाइस कुछ अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कटिंग करना होगा आपको भी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, जो कि हमारा फ्यूज से गाइस बहुत ज़्यादा बारूद बाहर निकल कर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस। और इसके ऊपर भी गाइस थोड़ा इसको काटूँ, देख सकते हो हमने कुछ इस टाइप के से गाइस इधर लगा दिया है, ठीक है। तो अब हमारा अनार बन के पूरा तैयार हो चुका है। तो गाइस इसके ऊपर गाइस, तो इसके ऊपर भी गाइस इसको डेकोरेशन करना होगा, ठीक है। तो डेकोरेशन करने के लिए गाइस इसको मोड़ने के लिए मैं इस चीज़ का गाइस इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलो गाइस इसको मैं डेकोरेशन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख ही सकते हो हमारा अनार बन के पूरा तैयार हो चुका है गाइस, देख ही सकते हो, और इधर लिखा है गाइस अनार। अभी तो शाम निकल है, ठीक है, तो गाइस अभी रात होने दो, तो रात होने के बाद गाइस आपको दिखाऊंगा ये कैसे गाइस जलता है, ठीक है। तो गाइस अभी हमारा अंधेरा हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे जो अनार है उसको आग लगाने का बारी है, तो चलो गाइस इसको आग लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हमारे हाथ में गाइस कुछ इस तरीके से एक फुलझड़ी है, देख ही सकते हो आप सभी लोग, अरे ये गाइस एक लाइटर, ठीक है। तो चलो इसके मदद से इसको आग लगाते हैं, ठीक है। सकते हो इधर कैमरा का थोड़ा इधर लेके आओ, आप थोड़ा इधर लेके आओ, तो गाइस देख ही सकते हो ये भयानक एक धुआं निकल है, ठीक है। इसके से गाइस ये पूरा जल चुका है अभी भी, और हमारा गाइस ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आप सभी लोग जरूर कमेंट पर बताना। अरे अभी भी गाइस फुल जल्दी जल रहा है, ठीक है, देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके जल रहा है, ठीक है। देखिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।